हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल सॉल्व कॉस्ट एक्सरसाइज 2.5। देखो, एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे किसी भी नंबर को मान लो, अगर टू ही हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट नंबर, अगर टू को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो। मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। और अगर आप किसी भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। यहाँ पर अगर एट है तो एट आएगा, फाइव है तो फाइव आएगा, टू है तो टू आ गया। और अगर आप किसी भी नंबर को टेन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, टेन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो क्या आएगा, जो भी नंबर है आपका वो नंबर लिखो और उसके पीछे एक जीरो लगा दो। ठीक है जी, ये बेसिक एक जनरल कंसेप्ट भी कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे मान लो अगर आपने टू को थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको वन दिख रहा है और पीछे सभी जीरो दिख रही हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली जो नंबर आपको दे रखा है वो नंबर को लिखो और इस वन के पीछे जितनी जीरो हैं उन जीरो को काउंट करो, वन टू थ्री, उतनी जीरो आप यहाँ पे लगा दो। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ, जैसे आपने सीधे आंसर लिख देना है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें मैं थोड़ी सी यूज करता हूँ, क्या आंसर आएगा। 451 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अभी यहाँ पे हमने देखा था कि 1 के साथ जिसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 451। तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3090। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जीरो के साथ अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो अगर जीरो के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो 8414 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब देखो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका फर्स्ट डिजिट है 1 और पीछे है 0, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर है आपको वो नंबर लिखना है, जो भी नंबर हमारे पास है उस नंबर को लिखा है और इस 1 के पीछे जितनी जीरो है एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट लग रहा है, देखो ये क्या नंबर 1, पीछे क्या है 3 0, ये क्या नंबर 1, पीछे क्या है 2 0, तो ये तो दोनों नंबर एक जैसे हैं। तो ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1। तो अब इनके बीच जितनी जीरोज हैं 3 और 2 5, 1 2 3 4 and 5 जीरोज आपने यहाँ पे लगा दी। दिस इज योर आंसर। अब देखो एंड पार्ट में क्या देखा है आपको कि हम किस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि 7060 हमारे पास आंसर आ जाए। अब देखो अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या हुआ, वही नंबर आएगा उसके पीछे एक जीरो आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे ए 10 का मल्टीप्लाई करवाया है तो पीछे क्या है एक जीरो आ गई। इस जीरो को छोड़ दो, नंबर क्या बचा, 706। मीन्स अगर आप 706 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो ये 1 को छोड़ दो, इसके पीछे जितने जीरो हैं वो इसके पीछे लग जाएंगे 7060। इट मीन्स 706 विल बी योर आंसर। इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं।